वेलकम टू मूवीज एक्सप्लेनर। आज की वीडियो में मैं आपको बायोग्राफिकल ड्रामा मूवी पेपिलियन को एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। सो लेट्स स्टार्ट द मूवी। मूवी की शुरुआत में हम पेपिलियन नाम के एक बंदे से मिलते हैं, जो एक लॉकर खोलने की कोशिश करता है और वो कामयाब भी होता है। फिर वो लॉकर से डायमंड चुरा के विंडो से भाग जाता है। वहाँ से वो अपने बॉस के पास आता है। वहाँ पे एक बंदे को देखता है जो बहुत जख्मी था। वो बॉस पेपिलियन से कहता है कि उस बंदे ने मुझसे चीटिंग किया, इसके लिए मैं उसको मार रहा हूँ। बॉस पेपिलियन से कहता है, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारे साथ भी यही करूँगा। पेपिलियन अपने बॉस को डायमंड देता है और पैसे लेके वहाँ से बाहर निकल कर सड़क पे अपनी गर्लफ्रेंड नानीत का वेट करता है। वो उसे ब्यूटीफुल नेकलेस गिफ्ट करता है और कुछ डायमंड्स। ये वही डायमंड्स थे जो उसने अपने बॉस के लिए चुराए थे। इसका मतलब पेपिलियन ने भी अपने बॉस को चीट किया। उसके बाद वो दोनों वॉक पे जाते हैं, वाइन पीते हैं और एक ग्रेट नाइट स्पेंड करते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड नानीत उसे कहती है कि हमें यहाँ से कहीं और चलना चाहिए और वहाँ जाके अपनी नई लाइफ स्टार्ट करनी है, लेकिन पेपिलियन रेडी नहीं होता। वो उसे और 6 महीने वेट करने के लिए कहता है क्योंकि उसे और पैसे कमाने थे, लेकिन नानी तब मना कर देती है क्योंकि वो और वेट नहीं करना चाहती थी। वो बात ही कर रहे होते हैं तब डोर पे नॉक होता है। वह पुलिस आई थी जो पेपिलियन को उस आदमी के मर्डर के चार्ज में अरेस्ट करती है। ये वही आदमी है जिसे बॉस के लोग मार रहे थे। नानित पुलिस को बताती है कि पेपिलियन रात भर उसके साथ था, पर पुलिस उसकी बात नहीं सुनती और पेपिलियन को वहाँ से ले जाती है। नानित पेपिलियन को मिलने जेल जाती है और उसे बताती है कि उसे कोर्ट में अपील करनी चाहिए। जो क्राइम तुमने किया ही नहीं उसकी सजा तुम्हें क्यों मिले। पेपिलियन आगे कहता है कि अपील करने से कुछ नहीं होगा, ये सब एक बहुत बड़ा प्लान है। वो नानित को उसे भूल जाने के लिए कहता है, लेकिन वो उसे ये इम्पॉसिबल है ऐसे कहकर वहाँ से चली जाती है। प्रिजन में हम और एक बंदे को देखते हैं, उसका नाम जूलियट होता है। वो पेपिलियन से कहता है, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। चेकिंग के दौरान जूलियट पेपिलियन को लुइस डेगा को दिखाते हुए कहता है कि ये एक मिलियनेयर है जिसके पास प्रिजन में भी पैसा है। नेक्स्ट डे सभी प्रिजनर्स को एक बड़े जहाज से डेविल्स आइसलैंड पे ले जाया जाता है। इसके बाद वहाँ से कोई भाग नहीं सकता। ट्रैवल के दौरान पेपिलियन डेगा को बताता है कि उसके पास पैसे होने के कारण सबकी नज़र उस पर है और मैं तुम्हें उनसे प्रोटेक्ट करूँगा, पर बदले में तुम्हें मुझे जितने पैसे चाहिए वो देने होंगे। नेक्स्ट सीन में एक पावरफुल प्रिजनर्स दूसरे प्रिजनर्स का स्टमक काट के पैसे लेके जाता है। ये सब देख के डेगा समझ जाता है कि उसकी जान खतरे में है। डेगा पेपिलियन से डील पक्का करता है और उसे कहता है कि उसकी वाइफ जब तक कोर्ट में अपील नहीं करती वो उसे प्रोटेक्ट करे। रात में वही किलर प्रिजनर्स डेगा पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन पेपिलियन उसे सक्सेस नहीं होने देता। गार्ड्स एंड बाकी प्रिजनर्स वहाँ आ जाते हैं। गार्ड्स किलर प्रिजनर्स पे हॉट स्टीम ब्लो करते हैं और उसमें उसकी मौत हो जाती है। नेक्स्ट डे वो शिप अपने डेस्टिनेशन पे आ जाती है। सारे प्रिजनर्स को लाइन से खड़ा किया जाता है। तभी जूलियट अपने पैर पे चाकू से वार कर खुद को जख्मी कर लेता है ताकि उसको हॉस्पिटल ले जा सके और वहाँ से वो भाग सके। उसके बाद वार्डनर सारे प्रिजनर से कहता है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि हम यहाँ से भाग सकते हैं। भागने के लिए आप फ्री हो, लेकिन भागते हुए कोई पकड़ा गया तो उसको शूट किया जाएगा। अगर कोई बुलेट से भी बच जाता है तो वो भूख से मर जाएगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कांटेदार झाड़ियाँ हैं। और अगर आप समुद्र से भागने की कोशिश करोगे तो वहाँ पर बहुत सारी भूखे शार्क है, आप उनका खाना तो बन ही जाओगे। आप वापस आते हो तो आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की 2 साल की सजा होगी। सेकेंड टाइम भागने की कोशिश करने पर और पकड़े जाने पर आपको 5 साल की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सजा होगी और उस प्रिजनर्स को अपनी पूरी जिंदगी इस आइलैंड पे बितानी होगी। अगर आप किसी को मारते हो तो आपको भी मारा जाएगा। ये सब कहकर वार्डनर वहाँ से चला जाता है। पेपिलियन और डेगा को यहाँ पर बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। वो ट्रॉली को ट्रैक पर से खींचने की कोशिश करते हैं, तब डेगा पेपिलियन से कहता है उसे डायरिया हुआ है। एट द रिजल्ट उसका सारा पैसा नीचे गिरता है। पेपिलियन फिर बड़ी मुश्किल से वो पैसा उठा लेता है। वहाँ उन्हें एक जूते पहना हुआ आदमी दिखाई देता है। पेपिलियन इससे पूछता है कि अगर वो उन्हें फ्री करने में मदद करेगा तो वो उसको $2,000 देगा। फिर वो आदमी गार्ड्स को बुलाता है। देगा तब बोलता है कि मैं तुम्हें $4,000 दूंगा और वो आदमी एग्री करता है। फिर वो गार्ड को कुछ और बताकर वहाँ से जाने के लिए कहता है। वो उन्हें बताता है कि उसकी बोट नदी के दूसरी तरफ रहेगी।
वो उनसे कहता है कि तुम लोग कभी भी आ सकते हो और मुझे $5,000 चाहिए इंस्टीट ऑफ $4,000। वहाँ के प्रिजनर्स को पता था कि डेगा के पास बहुत सारा पैसा है और वो उसका पैसा चुराना चाहते थे। पेपिलियन वहाँ पर आके उसे बचा लेता है लेकिन खुद जख्मी हो जाता है। डेगा रियलाइज करता है कि वह ऐसे इन प्रिजनर्स के साथ ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकता। डेगा पेपिलियन से कहता है उसे नहीं पता था कि ऐसा होने वाला है। जब तक उसकी वाइफ उसको यहाँ से बाहर निकाल देगी तब तक ये प्रिजनर्स उसको मार डालेंगे। अभी वह पेपिलियन के साथ भागने के लिए तैयार होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जूलियट को प्रिजनर में वापस लाया जाता है। वो इंटेंशनली अपना पैर जख्मी करके हॉस्पिटल से भागने की कोशिश करता है और उसमें दो पुलिसमैन को मार देता है। जूलियट को पब्लिकली एग्जीक्यूट किया जाता है। जब जूलियट मर जाता है तो उसकी बॉडी ले जाने का काम पेपिलियन और डेगा को दिया जाता है। फिर वो दोनों जूलियट की डेड बॉडी गार्ड की निगरानी में फॉरेस्ट लेके जाते हैं। पेपिलियन इस मौके का फायदा उठाकर भागने की कोशिश करता है और रिवर में जंप करता है और उस ओल्ड मैन के पास चला जाता है जिसने कहा था वो उनकी भागने में मदद करेगा। ओल्ड मैन पेपिलियन से $5,000 मांगता है। पेपिलियन उसे कहता है कि अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है पर अगर वो उसकी मदद करेगा तो वो उसको दुगने पैसे देगा। वह उसे बताता है कि पेरिस में उसके पास बहुत सारा पैसा है पर पेपिलियन का ये प्लान कामयाब नहीं हो पाता। तभी हम देखते हैं पेपिलियन के पीछे गार्ड खड़े होते हैं। ओल्ड मैन कहता है कि वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि वार्डनर उसको डबल पैसे देता है तुम जैसे की खबर देने के लिए। पेपिलियन को फिर उसी प्रिजन में लाया जाता है। वार्डनर आगे उसे बताता है कि जिस गार्ड को तुमने पत्थर मारा था अगर उसे कुछ हो जाता तो तुम्हें भी जूलियट जैसी सजा मिलती। वार्डनर उसे 2 साल की सजा सुनाता है और सेंट जोसेफ आइलैंड पर भेज देता है। एक कंडीशन रखता है कि वहाँ पर कोई आवाज नहीं होनी चाहिए। 2 साल के लिए पेपिलियन को अभी ऐसे ही रहना पड़ेगा। खाने की तौर पर उसे सिर्फ थोड़ा सा सूप दिया जाता था ताकि वो वीक हो जाए। किसी किसी की तो मौत भी हो जाती थी। एक दिन पेपिलियन को वाटर बकेट में एक कोकोनट मिलता है। डेगा ने गार्ड को पैसे देकर उसे यह भेजा था। अब पेपिलियन को रोज कोकोनट मिलने लगे पर एक दिन वार्डनर ये देख लेता है और पेपिलियन से पूछता है कि ये कोकोनट तुम्हें किसने दिए। पेपिलियन डेगा का नाम नहीं लेता। वार्डनर यह आदेश देता है कि पेपिलियन का राशन आधा करने के लिए जिसके वजह से वो वीक हो जाए और भागने का ख्याल उसके दिमाग से निकल जाए। फिर से एक बार वार्डनर पेपिलियन के पास आता है और उससे पूछता है जिसने तुम्हें कोकोनट दिया था उसका नाम बताने के लिए पर पेपिलियन अभी कुछ नहीं करता। हम देखते हैं कि पेपिलियन की दिमाग की हालत कुछ ठीक नहीं है। वार्डनर इंस्ट्रक्शन देता है कि पेपिलियन की सजा खत्म होने तक उसको ऐसे ही रहना पड़ेगा और उसे लॉकअप में लॉक कर देता है। पेपिलियन वहाँ बहुत दिन रहता है उसके वजह से उसकी दिमागी हालत खराब हो जाती है और प्रिजनर्स एडमिनिस्ट्रेटर उसे ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल भेज देते हैं। डेगा उसको देखकर निराश होता है और उसे कहता है कि तुम सही थे, मैं यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। अभी मेरी पत्नी अच्छी है और उसने मेरे लॉयर से ही शादी कर ली है। डेगा पेपिलियन से माफी मांगता है और कहता है कि तुम्हारी इस कंडीशन के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। पेपिलियन मानसिक रूप से बीमार होने का नाटक कर रहा है। इस बार पेपिलियन, डेगा और 2 प्रिजनर्स भागने का प्लान बनाते हैं। 2 प्रिजनर्स भागने का प्लान बनाते हैं क्योंकि एक बोट का अरेंजमेंट करने वाला था और दूसरा गार्ड्स को चकमा देने वाला था। वो संडे का भागने का प्लान बनाते हैं क्योंकि उस दिन सभी गार्ड्स और ऑफिसर्स का मूवी देखने का प्लान था। डेगा गार्ड्स के ड्रिंक्स में नीम की गोलियां डाल देता है लेकिन बारिश के वजह से प्लान फेल होता है। लेकिन उस बीच वो लोग वहां से भागने में और बोट में बैठने में सफल हो जाते हैं। बोट छोटी होती है, उसमें 4 जन नहीं बैठ सकते और चीजें गलत हो जाती है। सेलियर मैथ्यूर को पानी में फेंक देता है। पेपिलियन भड़क जाता है और सेलियर के साथ फाइट करता है। पेपिलियन को बचाने के लिए डेगा चाकू पकड़ लेता है और सेलियर को चाकू मार देता है। उसके बाद पेपिलियन सेलियर के बॉडी को पानी में फेंक देता है। तूफान तेज होता है और उनकी बोट फंस जाती है। अगली सुबह वह कोलंबियन आइलैंड पर थे। उन्हें लगता है कि अभी वो लोग फ्री हो गए लेकिन नन जानती है कि वो लोग कहाँ से आए हैं। पेपिलियन वहाँ से निकलना चाहता है लेकिन उसके 2 पार्टनर वही रहना चाहते हैं। पेपिलियन एक पुलिस वैन को आते हुए देखता है
नन ने ऑलरेडी पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। वो डेगा को यहाँ से भागने के लिए कहता है, तभी डेगा का पैर टूटा होने के कारण पुलिस उनको पकड़ लेती है। पुलिस मैथ्यूर को शूट कर देती है। उन्हें फिर से डेविल्स आइलैंड पे ले जाया जाता है। जैसे कि पेपिलियन ने फिर से भागने की कोशिश की थी, उसे अभी 5 साल के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाला जाता है। ये वही जगह है जहाँ उसने पहले 2 साल बिताए थे। पेपिलियन वहाँ पे 5 साल रहता है। उसके बाद उसे डेविल्स आइलैंड हाई पे लाया जाता है। यहाँ चारों ओर पानी और ऊंचे क्लिफ होने के कारण यहाँ सिक्योरिटी बहुत कम होती है। पेपिलियन को वहाँ डेगा मिलता है। उसे 5 साल पहले ही यहाँ भेजा गया था और वो इस जगह के बारे में अच्छे से जानता था। अब डेगा का वहाँ से भागने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि उसे वो प्लेस की आदत हो गई थी। लेकिन पेपिलियन को तो यहाँ से भागना था, तो वो इस प्लेस को अच्छे से स्टडी करता है। तभी एक दिन उसे आइडिया आता है कि अगर वो पानी तक पहुंच जाए तो ये लहरें उसे किनारे तक तो ले जाएंगी। अपना ये आइडिया वो डेगा से शेयर करते हुए पानी में कोकोनट फेंक देता है और वो कोकोनट पानी में फ्लोट करने लगता है। पेपियन आगे कहता है कि अगर वो कोकोनट का राफ्ट बना लेंगे तो यहाँ से निकल सकते हैं। फिर वो दोनों बहुत सारे कोकोनट कलेक्ट करते हैं और उसे राफ्ट बनाते हैं। डेगा को पेपिलियन के साथ नहीं जाना था। जंप करने से पहले पेपिलियन डेगा को हक करता है। डेगा उस राफ्ट को पानी में फेंकता है और पेपिलियन पानी में जंप करता है। डेगा नीचे देखता है तो बहुत देर तक कोई मूवमेंट नहीं होता। डेगा को लगता है कि वो मर गया, लेकिन सडनली पेपिलियन वो कोकोनट राफ्ट पे चढ़ जाता है। ये देख कर डेगा बहुत खुश होता है, लेकिन पेपिलियन अभी घर नहीं जा सकता क्योंकि फ्रांस में तो वो अभी भी क्रिमिनल है। इन 1969 वेनिस पेपिलियन एक एडिटर के पास जाता है। उसे अपने नोट्स देता है जहाँ उसने अपनी जिंदगी की पूरी कहानी लिखी थी। वो उन 8000 प्रिजनर्स के बारे में बताता है जिनको उस डेविल्स आइलैंड पे भेजा गया था। बिकॉज ऑफ हार्श कंडीशन बहुत सारे लोग मर जाते। पेपिलियन की बुक पब्लिश होती है। वो बुक फॉर नेक्स्ट 21 वीक फ्रांस की बेस्ट सेलर बुक बनती है। उस बुक के पब्लिश होने के बाद फ्रेंच गवर्नमेंट उसे फ्रांस आने के लिए अलाउ करती है। हमें पता चलता है कि पेपिलियन ही उसका असली नाम नहीं होता। उसके चेस्ट पे एक बटरफ्लाई का टैटू बना होता है और बटरफ्लाई को फ्रांस में पेपिलियन कहते हैं। उसका असली नाम है हेनरी चारिये। उसने जो बुक लिखी थी उसका नाम भी पेपिलियन ही था। डेविल आइलैंड की शुरुआत 1852 में हुई और उसे 1953 में परमानेंटली बंद कर दिया गया। पेपिलियन की वहाँ से भागने के पूरे 9 साल के बाद और पेपिलियन के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। व्हाट अ इंटरेस्टिंग स्टोरी। एंड इज वेल ऑल इज वेल। मुझे तो ये स्टोरी काफी पसंद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।